हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी को और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इनोवेशन वाईफाई स्टडी। इनोवेशन वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं ASDP पशुधन सहायक। 2019 में जो द्विवर्षीय कोर्स होता है उसकी संपूर्ण जानकारी हम लेकर आए हैं। तो बीकानेर विश्वविद्यालय ने उसके ऑनलाइन आवेदन क्या कर दिए हैं, शुरू कर दिए हैं, और ऑनलाइन आवेदन की तिथि भी उन्होंने निश्चित कर दी है कि यहाँ इस तारीख से इस तारीख तक ऑनलाइन आवेदन होगा। तो अगर आपने हमारे इनोवेशन वाईफाई स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिलता रहे। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारे साथ जुड़े और पढ़ाई की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। तो आज हम पशुधन सहायक द्विवर्षीय कोर्स जो वेटरनरी बोलते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। संपूर्ण जानकारी में सबसे पहले आता है ऑनलाइन आवेदन। तो ऑनलाइन आवेदन है वो 23 जुलाई से शुरू हो गए हैं। ऑनलाइन आवेदन 23 जुलाई से शुरू हो गए हैं। 23 जुलाई सुबह 12 बजे से स्टार्ट हो चुके हैं। और ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट है वो 12 अगस्त शाम 5 बजे तक है। और ऑनलाइन आवेदन है, ऑनलाइन आवेदन के लिए फ़ीस है वो 1500 रुपये रहेगी। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए फ़ीस कितनी रहेगी, 1500 रुपये रहेगी। और उसके बाद आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, ऑनलाइन जो आवेदन होगा उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। तो पास इन सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम, तो मतलब प्लस टू पास होनी चाहिए आपकी। कक्षा 12 में क्या होनी चाहिए, उत्तीर्ण होनी चाहिए। और कक्षा 12 में उत्तीर्ण तो हो गए, तो आपके पास कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए ताकि आप पशुधन सहायक 2019 का फॉर्म अप्लाई कर सको। तो इसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बोले तो कक्षा 12 में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कक्षा 12 में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद एक ऑप्शन और रहता है अपने पास, अगर आपके पास एग्रीकल्चर स्ट्रीम सब्जेक्ट रहा हो, क्या रहा हो, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट रहा हो कक्षा 12 में विद बायोलॉजी एज वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट। बायोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ आपके पास कक्षा 12 में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट रहा हो तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एक ऑप्शन और रहता है अपने पास, वह ऑप्शन है कि कक्षा 12 में आपके पास मैथ सब्जेक्ट हो और मैथ सब्जेक्ट के साथ आपने एडिशनल बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया हुआ हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो इस फॉर्म के लिए एज लिमिट क्या रहती है, तो भिन्न भिन्न कैटेगरी के लिए भिन्न भिन्न एज लिमिट रहती है। तो जनरल कैटेगरी की देखी जाए, किसकी देखी जाए, जनरल कैटेगरी की देखी जाए तो उसकी एज लिमिट रहती है 17 से 28 वर्ष तक। 17 से 28 वर्ष तक आप इसके आवेदन या इसको आवेदन आप कर सकते हो। गर्ल्स का देखी जाए तो गर्ल्स को 5 वर्ष की स्पेशल छूट दी हुई है। गर्ल्स को कितनी, 5 वर्ष की छूट दी हुई है। तो 17 से 28 प्लस 5 वर्ष की छूट दी हुई है। और उसके बाद OBC 80 व ST के लिए भी एज लिमिट हुई है। OBC में बॉयज़ देखा जाए तो OBC में बॉयज़ की उम्र देखी जाए तो 17 से 28 तो है, प्लस 5 इयर्स की इनको छूट दी हुई है। क्या दी हुई है, 5 इयर्स को छूट दी हुई है OBC 80 व ST में बॉयज़ को। उसके बाद गर्ल्स को देखा जाए तो गर्ल्स में बॉयज़ वाले बोले तो 17 से 28 प्लस 10 इयर्स बोले तो 17 से 38 वर्ष तक आप इसके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस उम्र तक। उसके बाद आता है कॉलेज डिवाइडेशन की, कॉलेज किस किस प्रकार के कॉलेज हैं। तो देखा जाए तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अपने पास कितनी है, 4 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ हैं। कितनी हैं, 4 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ हैं और गवर्नमेंट कॉलेज 7 हैं, प्राइवेट कॉलेज 65 हैं। टोटल वे 76 टोटल हैं, जिसके अंतर्गत 4 तो गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं और 4 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आते हैं और 2 नंबर पे आते हैं जो कि 7 आते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं, 3 नंबर पे 65 आते हैं वो कि क्या है, प्राइवेट कॉलेज है। अब इनकी मेरिट देखते हैं कि 12% पे इसका एडमिशन लिया जाता है, तो इसकी मेरिट क्या रहती है। तो मेरिट देखी जाए तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जनरल की मेरिट देखी जाए,
अगर आपके कक्षा 12 में 85% से अबो है, कितने 85% से अबो है, तो आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए और आपको आसानी से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। किसी किस कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी के बॉयज़ में अगर 85% से अबो है तो आपको आसानी से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। उसके बाद आती है गर्ल्स के बाद जनरल कैटेगरी में। गर्ल्स जनरल कैटेगरी में देखी जाए तो 82% से अबो अगर आपके 12th में है तो आपको आसानी से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। उसके बाद आती है ओबीसी में। अगर ओबीसी के बॉयज़ में 82% से अबो है 12th में तो आपको आसानी से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। उसके बाद आती है गर्ल्स। गर्ल्स में 80 से अबो अगर आपके 80 से अबो है 12th में तो आपको आसानी से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। उसके बाद आता है 80 व एसटी के कैटेगरी के बच्चों का क्या रहते हैं, मेरिट लगभग सेम रहती है। तो बॉयज़ देखा जाए तो 78 अगर 78% से अबो बॉयज़ हैं 80 व एसटी कैटेगरी के तो उसको आसानी से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल सकती है। गर्ल्स की देखी जाए तो 75 से अबो मेरिट रहती है। अगर 85 से अबो कोई भी 80 व एसटी कैटेगरी की गर्ल्स है तो उसको आसानी से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल सकती है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट कॉलेज। तो गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो कि 7 हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में जनरल की मेरिट देखी जाए तो 80 से अबो रहती है। कितनी से अबो रहती है, 80 से अबो रहती है। 80 से अबो कोई भी बॉयज़ है, 80% से अबो कक्षा 12th में कोई भी बॉयज़ है उसको आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। गर्ल्स की बात की जाए तो 77 अगर 77 से अबो कोई भी गर्ल्स है उसको आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। उसके बाद आता है ओबीसी। ओबीसी में देखी जाए तो ओबीसी में बॉयज़ होता है वो 76% से अबो अगर कोई भी ओबीसी का बॉयज़ है तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। और गर्ल्स की बात की जाए तो गर्ल्स की मेरिट रहती है 73% या 73% किसी भी गर्ल्स के 12th में 73% है तो उसको आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। उसके बाद आती है 80 व एसटी की बात करते हैं। 80 व एसटी में बॉयज़ हैं तो बॉयज़ की मेरिट रहती है 70 से अबो, 80 व एसटी के लिए सेम ही रहती है। तो 80 व एसटी में कोई भी बॉयज़ है उसकी परसेंटेज कितना रहता है, 70 से अबो अगर कोई भी 80 व एसटी कैटेगरी का बॉयज़ है तो वो उसको गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाता है। और उसके बाद आती है गर्ल्स की बात, तो गर्ल्स की रहती है 68 बोले तो 68% तक मेरिट रहती है 80 व एसटी कैटेगरी की, कि जो भी 80 व एसटी कैटेगरी का गर्ल्स है उसके 12th में परसेंट 68 से अबो है तो उसको आसानी से क्या मिल सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। उसके बाद आती है प्राइवेट कॉलेज का क्या शेड्यूल रहता है। तो प्राइवेट कॉलेज हैं वो 65-65 प्राइवेट कॉलेज है जो मैंने पहले ही बता दिया था। तो प्राइवेट कॉलेज में मेरिट क्या रहती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बॉयज़ में प्राइवेट कॉलेज की मेरिट रहती है वो रहती है 65, मतलब जनरल कैटेगरी में बॉयज़ की मेरिट रहती है 65 की, कोई भी जनरल कैटेगरी का बॉयज़ है उसके 12th में 65 से अबो है तो उसको आसानी से प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। उसके बाद आती है गर्ल्स। गर्ल्स की रहती है 63 से अबो, कोई भी जनरल कैटेगरी की गर्ल्स है उसकी 63 से अगर 12th में अबो है तो उसको आसानी से प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है। उसके बाद आता है ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में क्या होता है, ओबीसी कैटेगरी में ओबीसी के बॉयज़ के लिए अगर 58% से अगर 12th में अबो है तो उसको आसानी से प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है। क्या मिल जाता है, आसानी से प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है। अगर गर्ल्स की बात की जाए तो 55% इनकी मेरिट रहती है। क्या रहती है, 55% इनकी मेरिट रहती है। अगर 12th में 55 से अबो है तो उसको आसानी से क्या मिल जाता है, प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है। उसके बाद आता है अपना लास्ट SC व ST कैटेगरी के लिए, कि अगर उसके 12th में 52%
52% बॉयज़ के अबो है तो उसको आसानी से प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है, और गर्ल्स की बात की जाए तो 50% अगर 12th में आपके 50% से ऊपर हैं तो आपको आसानी से प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है। और जो ये प्राइवेट सरकारी कॉलेज हैं इन सभी कॉलेजों के PDF इस कक्षा के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, और इस कक्षा के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका ऑनलाइन लिंक भी मिल जाएगा जहाँ से आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और हमारे इनोवेशन वाईफाई स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। धन्यवाद।